आज की हमारी दिलचस्प इन्फॉर्मेटिव वीडियो नाज़रीन ग्राम, बात की जाए पेपाल की या फिर हाई टेक ऑटो पायलट इलेक्ट्रिक कार्स की, या बात की जाए फाल्कन 9 बूस्टर लैंडिंग की, या फिर दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की, या फिर बात हो पहली बार इंसान के मार्स पर जाने की, तो इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक इंसान है और वो है दुनिया का अमीर तरीन इंसान एलन मस्क। और उसने ऐलान किया है कि एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है टेस्ला पाई फोन। और पाई फोन के फीचर्स ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने स्मार्टफोन की इंडस्ट्रीज में एक भूचाल सा पैदा कर दिया है, क्योंकि ये फीचर्स ही इतने ज़्यादा हाई टेक और बहुत ही एक्साइटेड होंगे। और आप लोगों को बताने के लिए आज हम बात करने वाले हैं टेस्ला का जो फ़ोन है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका जो पहला फीचर है वो है स्टार लिंक नेटवर्क कनेक्शन। इस फीचर के ज़रिए आप भले किसी सहारा में ठहरे हों या समुंदर के दरमियान में ठहरे हों, आपको मिलेगी 200 MB पर सेकेंड डाउनलोडिंग स्पीड। और इंटरनेट की तो आपको पता होना चाहिए कि एलन मस्क ने एक अपना प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत वो स्टार लिंक इस प्रोग्राम का नाम है, जिसके तहत वो 48,000 सेटेलाइट ज़मीन के गिर्द लगाने वाला है और जिसके ज़रिए वो दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ये जो पाई फोन होगा इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग मौजूद होगी जो कि ऊपर मौजूद सेटेलाइट से कनेक्टेड होगा और दुनिया के किसी भी कोने में तेज़ तरीन इंटरनेट इस फ़ोन में अवेलेबल होगा। और इस फोन में जो दूसरा कमाल का फ्यूचर होगा वो होगा न्यूरालिंक इंटीग्रेशन। न्यूरालिंक इंटीग्रेशन का मतलब है आपके दिमाग से वो फ़ोन कंट्रोल होगा। और एलन मस्क ने एक और अपना प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिसके ज़रिए वो एक ऐसी चिप बना रहा है जो कि इंसानों के दिमाग में लगाई जाएगी। और एलन मस्क का कहना है कि अगर किसी को हमने फ़ोन करना हो तो हम पहले फ़ोन निकालते हैं, इस बंदे का कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं, फिर इस पर अंगूठा दबाते हैं, फिर इससे कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारा टाइम ज़ाया होता है, तो ये टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए। इसके लिए वो क्या कर रहा है कि एक ब्रेन चिप बना रहा है जो कि इंसानों के दिमाग में लगाई जाएगी। इस ब्रेन चिप के ज़रिए वो फोन भी कंट्रोल करेगी और इससे हमारा टाइम बचेगा। और इसके कहने के मुताबिक इसके वो काफ़ी सारे टेस्ट जो आजकल इसके चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट एक्टिव है और इस पर काम हो रहा है। तो इस फ़ोन में न्यूरालिंक इंडक्शन मौजूद होगा जिसके ज़रिए आप अगर अपने ब्रेन में चिप लगवा कर अपने मोबाइल फ़ोन को या टेस्ला के मज़ीद जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको अपने ब्रेन के ज़रिए कनेक्ट करके इनको यूज़ कर सकेंगे। और इस फ़ोन में तीसरा अहम फीचर होगा वो होगा मास कॉइन माइनिंग। आपको पता होना चाहिए कि एलन मस्क ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है स्टारशिप। इस प्रोग्राम में वो क्या कर रहा है कि पहली बार इंसानों को मार्स पर भेजेगा और इसके ट्रायल्स जारी हैं और इसकी तैयारी मुकम्मल की जा रही है। वो जल्द ही इंसानों के पहले बैच को मार्स पर लेकर जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एलन मस्क का कहना है जो हम दुनिया मार्स पर बनाएंगे इसमें हम क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम इसने रखा है मार्स कॉइन। तो आपका फ़ोन जो होगा पाई फोन इसमें मार्स कॉइन आप माइन कर सकेंगे। और इसमें यानी कि ये फंक्शन भी होगा कि वो मार्स कॉइन की माइनिंग कर सकेंगे, यानी वो फ़ोन के ज़रिए आप मार्स कॉइन के भी मालिक बन सकेंगे। इस फोन में जो चौथा अहम फंक्शन है वो है सोलर पैनल चार्जिंग। तो यानी इसमें चार्जिंग का सॉल्यूशन भी दिया गया है। अगर आपका फ़ोन आप कनेक्ट नहीं कर सकते आप चार्जर्स के साथ, तो इसको सोलर पैनल के ज़रिए ही भी आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकेंगे, यानी कि आप सूरज की रोशनी से अपना फ़ोन चार्ज कर सकेंगे। इसमें पांचवा अहम फीचर वो है एस्ट्रोग्राफी कैमरा। ये बहुत ही अहम फीचर है। इसमें ऐसे कैमरास होंगे जिसके ज़रिए आप इस दुनिया से बाहर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स तक की भी फ़ोटो ले सकते हैं, जिसमें मिल्की वे गैलेक्सीज़ के फ़ोटोज़ वगैरह भी आप आसानी से ले सकेंगे। और कैमरा इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा कि आप दूर दराज के फ़ोटो भी इस कैमरे में ले सकेंगे। और इसका जो छठा फीचर है वो है टेस्ला रिमोट कंट्रोल, यानी कि आप टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ऑटो पायलट पर भी चलती हैं और वो इस दुनिया में इस टाइम
सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कार है, तो जो लोग ये फ़ोन ख़रीदेंगे वो अपनी कार को अपने फ़ोन के साथ आसानी से ऑटो पायलट पार्किंग भी कर सकेंगे और अपनी पूरी की पूरी कार को अपने फ़ोन के साथ कंट्रोल कर सकेंगे। इसके मज़ीद जो फीचर हैं वो सीक्रेट रखे गए हैं और इसकी लॉन्चिंग डेट भी सीक्रेट रखी गई है। ज़ाहरी बात है जब ये फ़ोन लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा तो एलन मस्क खुद इसको लॉन्च करेगा, खुद भी बड़ा एक्साइटेड होंगे ये फ़ोन देखने के लिए। नाज़रीन आप खुद भी बड़ा एक्साइटेड होंगे ये फ़ोन देखने के लिए और इसके फीचर्स टेस्ट करने के लिए और देखेंगे कि अपकमिंग जब ये पाई फ़ोन लॉन्च होगा तो इसमें क्या क्या खसूसियात होंगी और जो कही जा रही हैं क्या वो वाकई मौजूद होंगी या नहीं, ये हमें तब पता चलेगा जब फ़ोन लॉन्च होगा। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।